नदीम आपके पास पेन है? हेलो, क्या हुआ? मैं आपसे कुछ कह रहा था, आपने सुना नहीं शायद। आप नहीं, हमेशा फोन लगा रखते हो, आपको प्रॉब्लम नहीं होती? कैसी प्रॉब्लम? लगता है हमें बात करने की ज़रूरत है। ओके, आजकल हम जहाँ भी जाते हैं, चाहे वो मॉल हो, मेट्रो हो, बस हो, इवन योर ऑफिस, इवन योर होम, सब लोग अपने कान में ईयरबड्स लगाए हुए हमें दिखते हैं, या कॉल्स पे होते हैं या म्यूजिक सुन रहे होते हैं। क्या हमें ईयरबड्स हमेशा पहनने चाहिए? नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर आशिमा चोपड़ा है और आज हम इस वीडियो में ईयरबड्स के बारे में और उसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में चर्चा करेंगे। ईयरबड्स जब से मार्केट में आए हैं, ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन प्लेस एंड फेमस हो गए हैं। आजकल बच्चों के लिए भी आते हैं, बच्चों के बड़े क्यूट क्यूट हेडफोन्स आते हैं और हम बहुत टेम्प्ट हो जाते हैं उनको ये क्यूट से हेडफोन्स दिलाने के लिए। मगर क्या ये हमें करना चाहिए? आज हम जानेंगे कि ईयरबड्स हमें कैसे सेफली यूज़ करना चाहिए और इनके क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि हमारे कान आवाज़ को सुनते कैसे हैं। हमारे कान में एक इनर ईयर होता है जहाँ पर हेयर सेल्स आर प्रेजेंट। हेयर सेल्स हमारी आवाज़ को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदल कर ब्रेन तक भेजते हैं और इस प्रकार से हमें आवाज़ सुनाई देती है। हमारा ब्रेन वो साउंड को प्रोसेस करता है। ये आवाज़ हमें दूर से कहीं से भी आ सकती है, लेकिन ईयरबड्स पहनने से ये आवाज़ डायरेक्टली हमारे कान में जाती है। उसकी लाउडनेस कितनी होगी डायरेक्टली हमारे कान में, आप इमेजिन ही कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि कितना वॉल्यूम हमारे लिए सेफ है। जो ईयरबड्स का मैक्सिमम वॉल्यूम है वो आपका 100 डेसिबल तक जाता है, वो आपको 100% अपने फ़ोन में दिखाई देता है। दैट इज़ डेफिनेटली क्रॉसिंग अ लॉट ऑफ सेफ्टी लिमिट्स। हमारे लिए जो सेफ लिमिट हियरिंग के लिए होता है, वो उसका 60% ऑफ द मैक्सिमम वॉल्यूम आपका फ़ोन या टैबलेट का, दैट इज़ द सेफेस्ट हियरिंग वॉल्यूम। इसके साथ साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं रेगुलर ईयरफोन या ईयरबड यूसेज के? कान में वैक्स जल्दी जम जाता है, कान में कई बार घंटियाँ बजने लगती हैं, यानी कि रिंगिंग सेंसेशन होने लगता है, साए साए जैसी आवाज़ आ सकती है, जिसको हम मेडिकल लैंग्वेज में टिनिटस कहते हैं। थोड़ा थोड़ा हियरिंग लॉस होने लग सकता है। आप नोट करेंगे कि आप बार बार रेगुलर यूसेज पे उसकी धीरे धीरे वॉल्यूम बढ़ाते रहेंगे। सम टाइम्स इट इवन लीड्स टू परमानेंट हियरिंग लॉस। सम टिप्स फॉर यू फॉर सेफ हियरिंग। ईयरबड्स जब भी पहने, उसका जो वॉल्यूम है 60% ऑफ द मैक्सिमम वॉल्यूम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आप बहुत लंबी देर तक गाने सुन रहे हैं या कॉल्स कर रहे हैं, आपको उसको ब्रेक देना चाहिए। इसमें 60-60 का रूल अप्लाई होता है, यानी कि अगर आपने 1 घंटा सुना है तो आपको थोड़ी देर, कम से कम 10 मिनट ब्रेक देना चाहिए अपने कान को। एंड द अदर 60 इन द 60-60 रूल इज़ द 60% ऑफ द वॉल्यूम। थर्डली, इट इज़ बेटर अगर आप हेडफोन्स, जो बड़े वाले हेडफोन्स होते हैं, वो यूज़ करें, बिकॉज़ उसमें नॉइज़ कैंसलिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अगर आपको ईयरबड्स पहनने से कान में दर्द हो रहा है, जो आगे का आपके ईयर पीस है उसका साइज़ ज़रूर चेक करें। अगर वो साइज़ आपके हिसाब से ठीक है, देन प्लीज़ कंसल्ट अ डॉक्टर कि आपको दर्द क्यों हो रहा है। अगर कान में से पानी आने लग रहा है या मवाद आने लग रहा है, तो प्लीज़ अपने डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए। आपके लिए क्या ज़्यादा सेफ है, ईयरबड्स, हेडफोन्स या स्पीकर्स? आपको क्या लगता है? मेरे हिसाब से स्पीकर ज़्यादा सेफेस्ट, क्योंकि वो आपके कान में डायरेक्टली साउंड नहीं देते, वो बाहर चलते हैं। आप वॉल्यूम कंट्रोल कर सकते हो एंड इससे ईयर डैमेज सबसे कम होता है। सेकेंड बेटर ऑप्शन इज हेडफोन्स। अ लॉट ऑफ हेडफोन्स कम विद नॉइज़ कैंसिलेशन प्रॉपर्टीज़ और ये काफ़ी हद तक सेफर रहते हैं एज़ कम्पेयर टू ईयरबड्स। ईयरबड्स आर डायरेक्टली इनसाइड योर ईयर एंड इसमें सबसे ज़्यादा साउंड डिलीवर होता है आपके कान के अंदर। सो यू आर एट द मोस्ट रिस्क फॉर डेवलपिंग परमानेंट हियरिंग लॉस बाय यूज़ ऑफ ईयरबड्स। बच्चों के लिए भी एंड एडल्ट्स के लिए भी आई डू नॉट रिकमेंड यूजिंग ईयरबड्स। हेडफोन्स और इवन एन आउटसाइड एक्सटर्नल स्पीकर इज़ द सेफेस्ट ऑप्शन। बच्चों के लिए 12 साल की उम्र तक रिकमेंडेड नहीं है कि आप उनके कान में ईयरफोन्स या हेडफोन्स डालें। उसके बाद ज़रूर वो यूज़ करना चाहें तो आप उनको हेडफोन्स या स्पीकर का ऑप्शन दे सकते हैं। छोटे बच्चों को भी आप स्पीकर का ऑप्शन दे सकते हैं। उनके गाने, नर्सरी राइम्स, एवरीथिंग आप स्पीकर पे चलाइए।
कंक्लूड करने के लिए मैं यही कहूँगी और आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि यदि आपको ईयरफोन्स यूज़ करने हैं और वो अनअवॉइडेबल हैं ड्यू टू योर वर्क और ट्रैवल, आप सेफ लिसनिंग प्रैक्टिसेस अप्लाई कीजिए। अगर आप हेडफोन्स यूज़ कर सकते हैं प्लीज़ यूज़ दैट। और ऐसी हेल्थ रिलेटेड वीडियोज़ एंड टिप्स के लिए हमसे जुड़े रहिए। प्लीज़ क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन।